ये है ला पर सैम्पल और इसमें डाला है लाइफ शील्ड का प्लगइन। यहाँ पे सिर्फ लाइफ शील्ड का प्लगइन है यहाँ पे, बल्कि वो यार लिमिटेशन से सिर्फ आप ब्लेजर का आर पहन सकते हो और वर्ल्ड बहुत ज्यादा छोटा है 700x700 को, तो बहुत मजा आने वाला। चलो फटाफट से खेलते हैं ला पर सैम्पल का सीजन 5। स्टार्टिंग में मेरा गोल था कि ऐसे स्पॉन से बहुत ज्यादा दूर जाके एक आसमान में एक आइलैंड बना के वहाँ पे छुप जाना, तो देखते हैं वो मैंने मेरा हुआ कि नहीं हुआ। एंड और फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम 30k सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बार ला पर सैम्पल का सीजन 5 जिसमें की बहुत सारी नई चीजें जो कि आपने पीएसटी वाली ने बता दी होगी, मैंने बताई बहुत सारी चीजें हमने भी बता दिया। तो अभी अपने यहाँ पे 700x700 का बॉर्डर है, तो उसके बीच में हम लोग रहने वाले हैं और 15 मिनट तक कोई किसी को नहीं मारने वाला है। yes. तो अभी स्टार्ट करते हैं लापता एसएमपी का सीजन 5। तो अभी जिस गेम ने जैसे बताया कि सिर्फ वर्ल्ड बॉर्डर 700x700 का एंड सिर्फ हम लेदर का हार्ट में बना सकते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट रहने वाला हमारा सर्वाइव करने के लिए। और मेरी टीम में थे दीप भाई, फिर उसके थोड़े टाइम बाद जिस गेम हमारे ओपी भाई हमारी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। अरे अरे मेरे पास अनिल भाई, सबसे पहले बोट बनाते हैं, बोट बनाओ सबसे पहले, मैं जाता हूं। चलो भाई देखो अभी हम टेक्निक्स बताएंगे तरीके, सबसे पहले सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं यहां पे। या यो मैम, ओ क्या माले वाले ओ कर रहा हूं, देख लो तुम मारूंगा तुम्हें। चलो मेरे को एक शील्ड दे दो, जल्दी से पकड़ा दो। मेरा तोते को कुछ नहीं होना चाहिए भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा तोता उड़ गया, मर गया, क्रीपर ने फोड़ दिया। तो फिर इसके बाद रिसन पे ड्रेक्सी भाई आते हैं और कुछ चंद शब्द बोलते हैं। हाय हाय, हम लोग वो है, हम लोग ने एक टीम बनाई है जो कि है पीस सर्वर में। हां क्या आप लोग पीसेस में होना, पीस पे आना चाहते हैं? तो इसके बाद मैं अपना फिर से ग्राइंड करने लग जाता हूँ। प्लेयर इन लापता एसएमपी जो नेदर में जा रहा है अभी। ओके यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इधर पे मिले आप एक कोऑर्डिनेट सेट करो, उधर पे मिलते हैं, ऊपर मिलते हैं, जमीन के नीचे नहीं। मैं ऑब्सिडियन लेकर आ रहा हूं, चार ऑब्सिडियन लेके हम एन्चेंटेड टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर तो मैं मर चुका था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं मरा नहीं था, मैंने अपना पूरा सामान एंड पूरा एक हार्ट गवाया है। एंड फिर जब मैं अपनी टीम के पास वापस जा रहा था, मैं रास्ते में सैन पे स्पाइडर रेक्स पे मिलते हैं। हेलो गाइस, टीवी लैग गाइस, लैग कर सम। दो हार्ट निकाल के दो, अन्ना भी मरो। संदा भाई कैसे बंदे रखे हैं? एक्चुअली सच बताता हूँ, हम लोग को थोड़े से हार्ट की नीड है, बट हम लोग वायलेंस नहीं फैलाना चाहते हैं, मार के पीस पीस बस मांग रहे हैं, प्यार से मांग रहे हैं, प्यार से मांग रहे हैं। अभी बहुत हम लोग तुम्हें सामान देके भेजेंगे यहाँ से, लाइक हाँ सामान देके भेजेंगे। दो हार्ट इससे जब मैं खुद चला जाऊंगा ना, एक हाथ मर के चला जाऊंगा मैं। तो क्या तुम अपने पूरे ओके फिर से मैं मर जाता हूँ, सेंटर भाई एंड रेक्स भाई मिलके मुझे मार देते हैं। एंड फिर रास्ते में चड्डी कहीं मिलते हैं, वो मेरी हेल्प करना चाहती थी। अबे नहीं मार रहा, सुनिए सुनिए, मुझे लगता है मैं ऐसे मार दूँ। रुको भाई रुको, स्टीवी को नहीं कर रहे, अभी मर रहा हूँ। हाँ रुको, मैं नियम कर रहा हूँ। चार आठ है मेरे चाचा। आर वी वांटेड? नो भाई नहीं भाई, किसी को जरूरत नहीं। आपने बस स्टीवी को हाथ लगाया, आपके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, बाकी आप वांटेड कुछ नहीं हो। बिल्कुल नहीं, हाँ मैंने लिखा उनको कि अभी साथ में हम लोग, तो साथ में करते हैं। हाँ फिर उन्होंने क्या बोला? मेरे को लगा ठीक है भाई बदला लेंगे, उन्होंने कहा हम तो बदला लेने आए थे दोस्त। तो दीप बीच में क्यों नहीं बुला रहा था अपने को? नहीं 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 सब फ्लैश टैले करके लिखते यार, पता लग जाएगा। तो यहाँ पर दीप हमारा रिप्लाई नहीं दे रही थी और हमें पूरी टेंशन हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ अलग ही हो रहा था। क्या तुम अभी मरोगे या फिर इस गेमर की ईमानदार रहोगे? भाई मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। डर नहीं लगता क्या दीपू भाई? नहीं मुझे नहीं मारना, मत मार। हाँ वो करती है भाई, पीएस वाले मारा, पीएस वाले मारा। ओ माय गॉड, ओके ओ नो शिट भाई, दीपू भाई ने धोखा दिया, क्या हो रहा है ये? धोखा नहीं हो रहा, आगे धोखा दिया होता तो क्यों मारते पीएस? ओ अरे यार, हेलो दोस्तों, कौन आया अभी? दीपू भाई को क्यों मारा? हेलो
आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने दीपू को क्यों मारा, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि हमें चैट ने सब कुछ बताया था कि दीपू हमें धोखा दे रहे हैं, इसलिए निस्गे वाले दीपू को मार दिया। कुछ और है, लेक्सी मेरे सामने है, लेक्सी आपके सामने है, उसने मुझे मारा था। चलो दोस्तों पहले वो वाला चैप्टर का लूज करके आते हैं, चलो आ जाओ, चलो वो बोले चलो निस्गे पेड़ लो जाके आप किस, ओह शिट वो हमारे पास भी है, ओपे बच के, एक काट ओपे भाग, ओपे कुत्ते आ रहे हो ओपे, अरे मेरे को क्यों मारा है साले, चलो खत्म, जी बदला कंप्लीट। तो यहाँ पर तो हमने रेक्स भी तो मार दिया था, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पानी के बोतल, ओ सेंपाय सेंपाय, अरे शिट मुझे एक्स पकड़ो, मेरी एक्स पकड़ो, पहल दो निज़ भाई, पहल दो निज़ भाई, खत्म करो निज़ भाई, पहल दो ओपे मेरे एक्स, लगा तोड़ लगा, मार दे ओपियो, अरे मेरे को क्यों मारे भाई अकेले में देख के फिर से ओपियो, ठीक है कोबे है मेरे पास, ठीक है बच गया बच गया बच गया, आ जाओ, अरे शिट, चलो खत्म सैन भाई, निस सैन पर खत्म, ठीक है रेक्सी को मार दूँ, रेक्सी को मारो निस भाई, निस भाई हमें निस भाई मार सकते हैं, निस भाई इसको मार सकते हैं, आ जाओ इसको मारते हैं, मार सकते हैं तो मार ही सकते हैं, सामान तुम सामान देखो तुम, ठीक है चलो तुम आके सामान ले लेना, ऊपर सामान लो जल्दी लेके, सामान जल्दी लेके सामान लो, कोड जो कोड जो श्री कोड जो ओ विलेज में 140 और 160 आना जरा, खत्म जी, रिकॉर्डिंग नहीं थी तो सिर्फ रिप्ले यहाँ पे थोड़े पार्ट के लिए, एंड मैं अकेला सेंट पे एक्स से लड़ रहा था, फटाफट से आ जाओ, तुम तो तुम डरना मत, तुम लगे रहो, मतलब तने बहुत लो है, मारो मारो मारो, आ रहा हूं ओपी वापस, हां किधर आप किधर, चलो 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 वापस जा रहा हूं, वापिस वापिस टीवी पे, टीवी किधर पे हो, हां इधर पहाड़ के पीछे लगता है, टीम देख रहा हूं हमारे लिए, निज भाई निज भाई इधर पे आ, पीछे को जा रहा है क्या, हां इधर 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 पीछे, अब मुझे दिख गया तो फिर नीचे को, मैं वो नीचे को जाता हूं ना सीधा, किधर देख, नहीं नहीं मर रहे हैं वहां पे, किधर देख किधर, खत्म Yes! GG! GG! Send me a card! Watch this way! Hello, hello, what are you doing? Rexy, where are you? Khatam, Rexy! Rexy, where are you? तो आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो में मेरे पास परमानेंट नाइट विजन का इफेक्ट था, ठीक है, तो ये कैसे आया, तो इसका मैं आंसर देता हूँ आप लोगों को बेसिकली, तो फैदर में एक मोड आता है, ठीक है, तो इसका तो ब्राइटनेस का मोड आता है, इसकी सेटिंग नाइट विजन के रहता है, ठीक है, तो उसके की मैंने 5 पे सेट कर रखा है, जब ये 5 दबाता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा इफेक्ट चला आता है, बेसिकली इफेक्ट नहीं है, मतलब कि ब्राइटनेस का मोड है, सो या